राजा की बुआ की बेटी लवण्या की शादी फिक्स हुई थी। शादी के 4 दिन पहले राजा के घर में लड़के की तरफ से पार्टी का इंतजाम हुआ था। क्या भाई, दारू वारू कुछ नहीं है क्या? अरे चुप कर यार, माँ यहाँ पर है। कुछ नहीं। हेलो, कहाँ पर हो तुम? सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे पर तुम हो कहाँ पर? घर के अंदर ही हो राजा, जल्दी आओ ना। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लावण्या? राजा। कहाँ हो तुम? राजा मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या बात है बोलो? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या कर रही हो तुम? राजा मैं आपको बहुत चाहती हूँ। लावण्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजा मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ये सब गलत राजा है। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। राजा लावण्या आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं करी। छोड़ो छोड़ो मुझे लावण्या, मैंने कहा ना। लावण्या राजा। हां ए पापा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। ए क्या, एक मिनट बोल रहा है तू? ए मेरी बात तो सुनिए। शांता शांता जल्दी आ रहे, देख रहे तेरे भाई के लड़के ने कैसा घटिया काम किया है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सगी बुआ की लड़की के साथ इतनी घटिया हरकत किया है, इसको तो इसी वक्त घर से मार कर निकाल देना चाहिए। अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? शांत हो जाइए, पहले मामले का पता तो करो। क्या पता करना है, मेरी आंखों के सामने मेरी लड़की की साड़ी खींच रहा था, इसने सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती कर दी। अब मेरी बेटी समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मामा आगे पीछे सोचे बिना आप कुछ बोलिए मत। आगे पीछे सोचे बिना मैं बात नहीं करता। ऐसे घटिया लोग इस घर में है, मुझे पता होता तो मैं उसे कदम नहीं रखने देता। मामा मुंह में जो भी आया बकिए मत। कौन रे, कौन बकवास कर रहा है? इसके बाप के मरने के बाद इस कमीने को जमीन का एक हिस्सा देकर घर से भगा देना चाहिए था। अरे सुनिए, आज तक इस घर की मालकिन भाभी ही है, ये बात ध्यान में रहे। वही घर की मालकिन है इसलिए इतने दिन चुप रहा, हमें यहाँ बुलाकर हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान, कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अरे मामा आओ आओ जी आओ, तुम्हारे लड़के ने कैसी घिनौनी हरकत की है तुम ही पूछो इससे। क्या किया तूने, क्या किया तूने भाभी? ओहो, तुम्हारे मारने से इसने जो गलती की है क्या वो ठीक हो जाएगी? कुछ भी, क्या आप चुप रहोगे क्या? ये क्या, ये क्या किया तूने? मैं तुम्हें अपना बेटा समझती थी ना, रिश्ता करने आए लोगों के सामने मेरी इज्जत निकाल दी, क्या किया इससे? क्या आप क्यों आंसू बहा रही हो? ये मेरी होने वाली बहू है, ऐसा नीच इंसान मेरी बहू के साथ गलत सलूक करेगा तो क्या मैं अपनाऊंगा नहीं? एक मिनट, इस घर में कोई नीच नहीं है। सबके सामने तूने मेरा सर झुका दिया ना, जा बाहर, जा बाहर। अगर तू कभी लौट कर मेरे सामने आया तो मेरा मरा हुआ ही चेहरा देखेगा। निकल जा यहां से। अगर तब राजा सच बोल देता तो लवण्या का जीवन नष्ट हो जाता। सारी सच्चाई अपने दिल में दबाकर वो अपने घर और अपनों को छोड़कर दूर आ गया। उसके घर में काम करने वाला मैं, बिना मेरा स्टेटस देखे ही उसने मुझसे दोस्ती की, मुझे अपने साथ रखा, ऐसा है अपना राजा। इसलिए वो जब घर छोड़कर आया मैं भी आ गया, और वो लव करने के लिए उसका स्टेटस पूछ रही है। अपने राजा का स्टेटस क्या है पूरे स्टेट को पता है। करीमला हाँ? चल उसके घर चल के उसके पूरे खानदान को सबक सिखाते हैं। तू गाड़ी रेडी कर, मैं जाके तलवार लेके आता हूं। मनो ठीक है भाई, कुछ पता चला? थिएटर आया हूँ भाई। अरे कल यहाँ थिएटर में जो झगड़ा हुआ था वो लड़का कौन है भाई? कौन है वो पता नहीं, पर वो व्हाइट जीप में आया था। व्हाइट जीप में आया ऐसा पता चला। आजू बाजू में पूछ के देख। हाँ भाई पूछता हूँ, बैठ रहे। स्वाति जल्दी चलो। राजा राजा उठो। गीता इतनी रात में तुम यहाँ? चैत्रा, गीता जल्दी बाहर आओ।
चैत्रा अनवर के साथ घर से भाग गई है। क्यों? मम्मी पापा अब तक ये बात नहीं जानते हैं दीदी। गीता राजा के पास जाके हेल्प मांगते हैं। राजा के पास? राजा कौन है? गीता का फ्रेंड है आंटी। तुम लोग जाके जल्दी से राजा को बुला के लाओ। जाओ। उसके मम्मी पापा को अभी तक नहीं पता। राजा प्लीज हेल्प करो, प्लीज प्लीज। चलो ए उठ, जीप की चाबी दे। सुनो, व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा, सारे आदमी को भेज दो जल्दी। चाबी लो। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तुरंत मुझे फोन करना। ओके ओके। हेलो, लड़कों को बोलो कि रेलवे स्टेशन पे चेक करें, व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भेजा है। सब जगह पे देखो। बस स्टैंड में भी चेक करने को बोलो। प्राइवेट बस को मत जाने देना, सबको चेक करो। कोई भी जगह बचनी नहीं चाहिए, हर जगह ढूंढो। रेलवे स्टेशन में नहीं है गुरु। यहाँ पर भी नहीं भाई। यशवंतपुर में भी नहीं गुरु। गुरु, एरिया में सब लड़के ढूंढ रहे हैं। हाय राजा, मेरी फ्रेंड मिसिंग है सर। एक फोटो मुझे भेज देना। ठीक है सर, भेजता हूँ। हेलो, कंट्रोल रूम, और कोई नंबर है क्या? नहीं है। हेलो राजा, व्हाट्सएप पे जो लड़की का तूने फोटो भेजा है वो इधर ही है। कहाँ पर? कैंगरी रेलवे स्टेशन पे। चैत्रा कैंगरी रेलवे स्टेशन पे है। छोड़ दो उसे। राजा तू इसमें इंटरफेयर मत कर, ये मेरा पर्सनल मामला है। क्या पर्सनल मामला है रे? प्यार में मुश्किल आएगी तो उसका सामना करना चाहिए, डरपोक की तरह भागना नहीं चाहिए। कितना भी मनाने के बाद मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? तो क्या करेंगे वो? बेटा बोलकर तेरी शादी करवा देंगे। उन्होंने पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्लीज राजा छोड़ दो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो? यहाँ पर भाग कर आ गई तुम, तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान हैं, सोसाइटी में उनका नाम भी खराब हो सकता है, उनकी जिंदगी नहीं है क्या? माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो। अगर भरोसा टूट गया तो वो भी तुमको दरवाजे के अंदर बंद करके जाएंगे। पर तुम उनके प्यार को समझ नहीं रहे हो। राजा मैं इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ। ए पूरी हिस्ट्री देख ले, बिना घर वालों की मर्जी के कभी भी प्यार कामयाब नहीं होता। तुम दोनों आज भाग जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी कभी इसके बारे में तुमने सोचा भी है? जब तक माँ बाप साथ में हैं, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती, उनके ना रहने पे समझ में आती है। इतनी बड़ी भूल मत करो। अपने प्यार के लिए तुम एक साल इंतजार कर सकते हो ना, उसी तरह अपने पेरेंट्स के लिए तुम एक साल इंतजार नहीं कर सकते? देखो प्यार करना गलत नहीं है, प्यार की मैं इज्जत करता हूं। अनवर मेरी बात समझ में आ रही है? चैत्रा तुम्हारे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। सॉरी राजा, इसके लिए तो मैं जीवन भर इंतजार कर सकता हूं। बाय दीदी। बाय। राजा तुम्हें अपने माँ बाप बहुत पसंद है क्या? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? ये ट्रैवल्स डे की शुरुआत क्यों की है सर? गुड क्वेश्चन। दुनिया में जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, समझी? जैसे हमारे यूथ के लिए लवर्स डे होता है क्या? हाँ, उसी तरह से हमने सोचा कि ट्रैवल्स डे भी होना चाहिए, इसलिए हमने ये सब किया। आपको कैसा लगा? ठीक है, आपका मोटिव क्या है? नहीं नहीं, मैं मोदी जैसा नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं, ऐसा अरे नहीं। ये तो आपका लक्ष्य क्या है ये पूछा। अच्छा, मैंने। तुम लक्ष्य के बारे में बोल रहे हो, लक्ष्य का क्या होता है? वो तो हमारा लक्ष्य क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ। अरे भाई, तू तेरा खुद का सैटेलाइट चला रहा है, क्यों लोकल चैनल पे हाथ डाल रहा है मेरे भाई? ये तेरे बस की बात नहीं है, मैं जानता हूँ। ये नहीं सुधरेगा। दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज है ना, मैं खुद बताता हूँ। हमारी कोशिश ये है कि एक छोटी सी ट्रैवल्स कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनानी है,
जैसे गणेश स्कूल बस सर्विस, गणेश एम्बुलेंस सर्विस, गणेश सैंड लॉरी सर्विस, ये सब शुरू करके लोगों की सेवा करनी है। आप सेवा की बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप डॉक्टर हो। सुनिए, पेशेंट को बचाने वाले डॉक्टर को इज्जत देंगे, इतने सारे लोगों की जान बचाने वाले ड्राइवर को इज्जत नहीं देंगे। अभी तक तो डॉक्टर को ही भगवान कहते थे, लेकिन अब ड्राइवर को भी भगवान कहना पड़ेगा। क्यों नहीं कह सकते? ऑटो में 3 लोगों को, कार में 6 लोगों को, ट्रैवलर में 20 लोगों को, बस में 50 लोगों को, फ्लाइट में 100 लोगों को, शिप में 1000 लोगों को, ट्रेन में 1500 लोगों को सेफली पहुंचाने वाला हर ड्राइवर भगवान है। दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर पैसेंजर्स को सही सलामत उनके परिवार तक पहुंचाने वाले ड्राइवर को ट्रांसपोर्ट कंपनी के फायदे में से 10% क्यों नहीं दे सकते? आप तो उसे बंद नहीं करवा पाए, अभी तो उसने हिस्सा मांगा है, अब वो बनेगा किंग। मामा, आप भी 7-8 बस रख लो, किसी दिन आप भी टीवी पर इंटरव्यू दोगे और रेडियो पे बातें भी करोगे। सिर्फ एक कार से वो शुरुआत कर रहा है, अभी उसका सपोर्ट नहीं किया तो बस ऑनर एसोसिएशन के मंत्री भी नहीं बन सकते हो और फिर फोन करने के लायक भी नहीं रहोगे। चश्मा रेडी है। ए, बहुत हो गया, जाने दो। मामा, आपने अपने भांजे को मारा। मामा, मेरे बोलने से पहले इन लोगों ने मार दिया, मसाज करवा दूं क्या? मैं घर जाके मैं मसाज करवा लूंगा, बहुत मार पड़ी है यार। क्यों भाई, आप टेंशन में लग रहे हो? नहीं भाई, आप कूल हो। क्या कहा? कूल दिख रहा हूँ मैं, इतने टेंशन में हूँ, तुझे कूल दिख रहा हूँ तुझे। भाई आप कूल हो, टेंशन में नहीं हो। जल्द ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ। अरे नहीं, इतनी जल्दबाजी क्यों? पहले मैं 12वीं पास कर लूँ, उसके बाद। पास होने के बाद? फिर तो इस जन्म में शादी नहीं होगी। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम किसी और से शादी कर लो, मैं तो 12वीं करने के बाद ही शादी करूँगी। ए, कॉपी करके पास हो जाना। ये पहली वाली लड़की इसकी बेटी है क्या? क्यों रे, गाड़ी इतनी स्लो क्यों चला रहा है? कुछ नहीं भाई। कुछ बोलना चाहता है तो बोल दे। मैं अपने मुंह से कैसे बोलूं? तो फिर मेरे मुंह से बोल दे, मैं बताऊं क्या? वो गणेश और मेरी बेटी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठकर लव कर रहे हैं। यही ना? भाई मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए, गणेश को ड्राइवर आपने बनाया लेकिन आपकी बेटी ने उसे ड्राइवर से मालिक बना दिया। चाय बेचने वाले को कार दे दोगे तो और क्या होगा? ना रायण, मैं प्यार का दुश्मन नहीं हूँ रे। मैंने अपनी बहन की शादी किससे करवाई है? पेट्रोल पंप पर काम करने वाले आदमी से। एक गरीब आदमी से अपनी बहन की शादी करवा के मैंने कितना नाम कमाया है, उसी तरह मेरी बेटी की शादी उस ड्राइवर से करवा कर मेरी बेटी की नज़र में मैं अच्छा भी हो जाऊंगा और यूथ में मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैं महान आदमी हूँ। लेकिन वो लड़का मेरी जगह पर पहुंचना चाहता है और मेरी तरह बनना चाहता है। अगर वो आगे बढ़ गया तो मेरे रास्ते का रुकावट बन सकता है। मैं भी क्या फालतू की बातें करने लगा। भाई आप साइलेंट हो गए? जब मैं साइलेंट होता हूँ तो दूसरों से बातें करवाता हूँ। आगे देख। गुट्टा पाड़ी जाने वाले सभी यात्री यहाँ उतरो, आगे बस नहीं जाएगी। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएगी बस? ऐसा थोड़ी होता है, जबरदस्ती है क्या? क्यों नहीं जाएगी? मजाक थोड़ी है। देख लो, तुम्हें आखिरी बार कंट्रोल करना नहीं होगा। बोल रहा हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है? ये बोल रहा है बस आगे नहीं जाएगी, ऐसा कैसे? क्यों भाई, क्या हो गया? क्यों नहीं जाएगा? कटन की बस है, छोड़ रहा वरना आग लगा देता। तुम लोग क्या कर सकते हो? आपके गांव के गणेश ट्रैवल चलने से ही प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा बहुत लॉस हो रहा है। ए, उतरो चलो, उठा पड़ी गांव वाले सब उतरो, चलो आओ आओ बाहर आओ, निकलो जल्दी। आगे जाना है भाई। हां चलो चलो, पैदल ही जाना पड़ेगा। गांव में बस जानी चाहिए, इनकी ये मांग है, लेकिन मेरे सामने एक प्रॉब्लम है। मैं सोचता हूँ कैसे बताऊं। भाई एक तो पहले से प्रॉब्लम हो रही है और नई प्रॉब्लम बता के हमें डराओ मत भाई। सुबह के 2:45 तक मैंने सोचा था, और क्या हुआ था भाई? उसके बाद 3 बज गए। सही है भाई, बात ही नहीं मान रहे हैं सारे बस ऑनर्स। मिलकर आपके गांव में एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके गांव का वो लड़का गणेश बस ड्राइवर्स को 10% शेयर देने की बात करके टीवी में इंटरव्यू दिया है। बनने वाली फैक्ट्री में उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी ये सोचकर सब डर रहे हैं, इसीलिए इस फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट करेंगे, हम लोग यही सोच रहे हैं। सुनिए भाई साहब, आप गाँव वालों से बदला मत लीजिए। भाई गांव के विकास के लिए क्या क्या प्लान हुआ था? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। ये कथा क्या जाने क्या होगा। आप लोग टेंशन मत लो, मैं एक अच्छा आइडिया दूंगा। वो गांव में फालतू में घूमते रहता है, गांव को तरक्की नहीं करने देगा। क्यों रे? उसके साथ हमने क्या किया था? तो गांव वालों को बहुत परेशान करता था, तो भाई ने उसे पैसे देकर दुबई भेज दिया था। और अब गांव वाले मजे से जी रहे हैं। कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हमारी बात मान जाए। भाई वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो तेरा भाई है ना, क्या करें।
तो फिर जैसा मैंने उस लड़के के साथ किया था वही करना होगा। मैं गांव छोड़कर क्यों जाऊंगा? विदेश जाकर विदेशियों का नौकर बनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपने देश में जिम्मेदारी का काम कम है क्या? ओए, विदेश जाकर विदेशियों के सामने हाथ पैर जोड़कर भीख मांगने की ना हम हिंदुस्तानियों को जरूरत नहीं है। टीचर ने बताया था। वो सब तो हमें भी पता है, लेकिन तुम यहाँ रह के करोगे क्या? क्यों भाई, इस गांव के फायदे के लिए कोई अच्छा काम करोगे भी या नहीं? अरे पहले तो अपने घर के काम तो कर ले, नीचे बैठ जा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूँ, हमारा प्लान ये है कि सरकार से हमें ऐसा सर्टिफिकेट। बस कर, अपना प्लान क्यों उगल रहा है? ए, तुम्हारे प्लान वलान के चक्कर में गांव वालों का नुकसान हो रहा है। ओ, आप चुप रहिए। अच्छा तुम मुझे बताओ, मैं गांव छोड़ू कि नहीं? नहीं भाई, आप गांव छोड़कर मत जाओ। कोकिला दीदी तुम बताओ। भैया तुम तो सब जानते हो ना, सबकी खबरें रखते हो, तो तुम जो कहोगे सही है ना। महिलाओं का पंचायत में क्या काम? घर जाओ। शराब पी के घर आना, फिर बताती हूँ मैं। पी के घर पे जाएगा तब मजा आएगा। गणेश, तुम्हारी वजह से हमने बहुत दान लिया है, आखिरी बार तुम्हारे लिए फिर दान ले लेंगे। तुम चुपचाप विदेश चले जाना, तुम्हारे विदेश जाने का खर्चा सारा गांव उठाएगा। अबे तू कल मर जाएगा ना, तेरे मैयत का खर्चा मैं दे दूंगा। देखो मुझ पे हाथ उठा रहा है। अरे ये पंचायत है या बच्चों का खेल चल रहा है? हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं निकल रहा हूँ। टाइगर हम भागेंगे नहीं। ओए तुम चार लोगों के बताने से मैं गांव छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। ये ऐसे नहीं होगा, जैसे माथुर ने किया था वैसे ही इलेक्शन में वोट लेकर फैसला करना होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो माथुर के बारे में मैं भी जानता हूँ, वो ऐसा इंसान है कि उसके माँ बाप ने भी उसे वोट नहीं दिया, इसलिए इलेक्शन में हार के उसने गांव छोड़ दिया। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी, मामा मामी, भाई बहन, यार दोस्त, आने वाले जाने वाले सारे गांव के साथ मैंने रिश्ता बना के रखा है। जो हमें ताली बजा के सीटी मार के वोट दे रहे हैं, ये सब देख के सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। अरे भाई भाषण दे रहा है, जीत गया तो आइडिया बदल दे क्या? डिस्कशन क्या कर रहे हो, डर गए क्या? मैं कौन हूँ ये बताने का वक्त आ गया है, मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। अरे एक बार भाई ने बोल दिया ना, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त पे भाई को आजमा लेना, समझे? उसके बारे में हेडमास्टर बोलेंगे। हाँ तो सुनिए, कल के दिन छोड़ के संडे को इलेक्शन रखेंगे, उसे दिन रिजल्ट भी बता देंगे। इलेक्शन रूल्स यहाँ के हम फॉलो करेंगे। गणेश विदेश जाना चाहिए सोचने वालों को क्या सिंबल चाहिए? जाके लिया हवाई जहाज। गणेश तुम गाँव में रहोगे, इसका क्या सिंबल चाहिए? जीत का सिंबल कहाँ है? On the way. कुर्सी। वहाँ गणेश को सब लोग विदेश भेजने की तैयारी कर रहे हैं और तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही हो। मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे विदेश कोई भी नहीं भेज सकता, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। भाड़े का कैमरा है, संभाल के। ए, बंदर की तरह उछल क्यों रहा है? ए, अरे औरतों के वोट भी जरूरी है यार। अच्छा हुआ ट्राउजर पहन के आया, फोटो अच्छा निकाल भाई। प्रूफ देना होगा तो चलेगा, लेकिन ये फोटो वाले की बेशर्मी नहीं सह सकती। अबे अंदर में नहीं पहनता क्या तू? कैसे फोटो सही है? कहीं पैर तो कहीं कान, शक्ल है ही नहीं। एक भी फोटो सही नहीं खींचा तूने, दिखाओ। अरे हाथ पैर ले सकता हूँ तो शक्ल नहीं ले सकता क्या? कुछ भी फालतू बातें कर रहे हो यार। अरे यार फोटो तो मैंने सब सही लिए थे, पर कैमरा भंगा निकला ना, अब टूट गया। अब तुम जाके दूसरा कैमरा ले आओ, मैं पास में ही रहता हूँ, जब चाहे बुला लेना। कौन तुम? हाँ मैं, बस अगली बार शर्ट दूसरे पहनना। ए रोक 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 रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, पीछे ले। उस दिन जब थिएटर में इंक्वायरी किया था, उसने बोला था कि व्हाइट जीप में आया था ना? हाँ भाई। ये मनो, वो अंदर ब्लू कलर का चेक शर्ट पहना है ना, वही है। ठीक है भाई। अरे क्या बात है,
चल इधर से हट। तेरा एरिया कौन सा है, नाम क्या है, क्या कभी भी इस बार में आ जाता है? बार वाला तेरे को कुछ बोलता नहीं? एरिया जानकर तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे, तेरी तो। ए, और कौन इसके साथ? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ बार में कुछ गुंडे लफड़ा कर रहे हैं। भाई अपना लड़का इंक्वायरी के लिए गया था, उसको कुत्ते की तरह धो डाला भाई। छोड़ना मत उसे। भाई बार वाले ने पुलिस को फोन कर दिया है, अगर हम लोग रुके तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उल्लू के पट्टे, चल फोन रख। सुनिए, 10 सालों के बाद आप गांव जा रहे हैं, राजा को भी साथ में लेकर जाइए ना। उसकी माँ राजी नहीं होगी, इस घर का वारिस है वो, कुल देवता की पूजा में वो नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, कोई अच्छा समय देख के मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्ते माँ। शोभा, बच्ची के लिए थोड़ा दूध लेकर आओगी क्या? ठीक है। आओ लावण्या, कैसी हो? बुआ, मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ, राजा ने मेरे साथ गलत कुछ नहीं किया। मेरी वजह से राजा को घर छोड़ के जाना पड़ा, उस दिन की गलती की वजह से राजा अब तक वो सजा भुगत रहा है, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो बुआ। ए, कल रात को जिन लोगों ने लफड़ा किया था वो कौन है? मुझे पक्का पता है कि यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, वो कौन है, कहाँ रहता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। बाजार के लड़के लोग सर। बाजार के लड़के लोग? हाँ हाँ। बोलो तोरी। भाई पता लग गया है, वो बाजार का ही छोकरा है। छोड़ना मत, जान से मार दो। ठीक है भाई। हाँ। चलो रे। नमस्कार। नमस्ते। ये किस लिए भाई? आई आई, ये सब आपके स्वागत के लिए। सुनिए सत्यराज भाई, अब आप ही को इस मंदिर का धर्म रक्षक बनकर रहना है, ऐसा हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है। सभी को मेरा नमस्कार। इस रजिस्टर में साइन कर देंगे तो हमारे मंदिर के सारे रीति रिवाज पूरे हो जाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। अधिकार हाथ में आया तो तुम जो चाहे बगे जाओगे क्या बे? हमें बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, बेवकूफ समझा हमें क्या है? हमें बेवकूफ समझ रखा है, पागल समझ रखा है? हाँ, बेवकूफ कहीं का। अरे छोड़ो। इज्जतदार आदमी है वो, ऐसे उसकी इज्जत नहीं उतारने का। चलो। उस दिन मंदिर में सबके सामने उसने मुझे चप्पल से मारा, और आज अपने गुंडे के जरिए सत्यराज के मुंह पे तमाचा मारकर उसकी बेइज्जती की। इस गांव में उसके अन्याय को रोकने वाला कोई भी मर्द नहीं है क्या? कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। इतने समय से अपनी गुंडागर्दी से हम सबको डरा रहा है, ऐसे किसी इंसान को बुलाना होगा जो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, तब जाकर उसको अकल आएगी। हम भी अगर उन गुंडों से लड़ेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे गुंडे लोगों के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखाने का कोई फायदा नहीं, जड़ से उखाड़ना चाहिए। राज्य का पालन करने वाला राजा वनवास गया ये जानने के बाद गली का कुत्ता भी पूंछ हिलाकर सीना तान कर घूम रहा है, और ये लोमड़ी लोग भी राजवंशी होने का रोब जता रहे। आज अगर हमारा राजा रहता तो किसी को हमारे घर के चौखट में आने की हिम्मत नहीं होती। अगर भाई यहाँ रहता तो चटनी के जैसे ही सबको पीस डालता, इनकी गुंडागर्दी निकल जाती। इन लोगों की हिम्मत नहीं होती अगर मेरा भाई यहाँ पे होता। माँ, भाई कहाँ है, उसे बुलाओ यहाँ। माँ,
बदमाशी करते हैं, मारूंगी तुझे। करेगा चोरी, करेगा तू, बोल। हाँ? अरे माँ, गलती उसकी है कि नहीं पहले पता तो करो। हेलो हेलो माँ, माँ जल्दी राजमहल आ, जल्दी राजमहल आ। आता हूँ माँ। अजय किधर रहता है? उस तरफ। अजय है क्या? नहीं है। क्या बात है? फाइनेंस के बारे में बात करनी थी, कहाँ मिलेगा? गांव गया है। गांव किधर? कोतनाली। कोतनाली भाई, वो कोतनाली गया है भाई। कोतनाली अपने गांव का है वो? हाँ भाई। आ जल्दी आ, लड़के लोगों को लेके आ। अभी आ रहा हूँ भाई। तुझे क्या मैं अमिताभ बच्चन दिख रहा हूँ? इधर कॉफी रखेगी या यहाँ रखेगी? चल। मेरे चाचा पे किसने हाथ उठाया? बोलो। तेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाने वाले का हाथ तोड़ दे। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, उसका हाथ तोड़ डाल। कौन है तू?
एक शर्ट फाड़ने की वजह से तेरा ये हाल है। इसके आगे कोई हरकत की तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। इज्जत खोना गौरव नहीं है बल्कि बेइज्जती है। इज्जत को संभाल कर रखना ही अपना गौरव है, याद रख। कई लाखों लोग हमारे आगे हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। हम लोगों की कितनी ताकत है, क्या इतिहास है, ये समझ लो, ये याद रखना। हमारे सामने खड़े होने के लिए तुम्हारी औकात नहीं, हमारा सामना करने के लिए भी तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए। सुन, अगर शेर चुप है तो उसके पास आने की जरा भी कोशिश मत करना। डर डर रहना चाहिए। ये जो तेरे सामने है वो मेरा बेटा है, राज, विराज। अपने दुश्मन इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। करने दो। नमस्कार। हमें वोट देना भूलना मत। बदल के वोट मत दे देना। तुम्हारे बेटे के मुंडन के लिए पैसा इन्होंने दिया था। क्या मुंडन के लिए पैसा दिया? अरे भाई ने पैसा दिया था। ये क्या कह रहे हैं? इनका बच्चा खो गया मेले में, उसी को ढूंढने की बात कर रहे हैं। चलो चलो। धर्मालिंगा ने गांव के दूध वालों का वोट जमा कर लिया है। भाई, इस गांव में हमारे से ज्यादा होशियार लोग हैं। होने दो। इन लोगों को काम करना कुछ है नहीं, बस नया नया आइडिया बना रहे हैं। अगर कोई गलती से वोट मांगने आए तो उसको काट डालूंगा। चलो रे यहाँ से चलो। और किसी ने भी वोट दिया तो टांगे काट डालूंगा, समझा कि नहीं? चलो अंदर चलो। इस बार वोट सब उसी लड़के को देंगे। लगता है इस बार हम हार जाएंगे भाई। यूथ को कवर करो, फुल ओपन छोड़ दो। हाँ बोलो, आज रात का प्लान बनने वाला है। हाँ अच्छे से ब्रश करो। आज रात वो लोग कुछ प्लान बनाने वाले हैं। बनाने दो। ये तुम्हारे लिए। अरे बात किया कि नहीं? बात कर लिया भाई, सारी बात कर ली मैंने। उनको भी दो ना भाई। किस किस का मंदिर बना रहे हैं? शराब बनाने वाले को मंदिर बनाना चाहिए क्या? क्या भाई, अपने लड़के हैं। ए, 10 से ज्यादा फोन कर लिया, माल अभी तक आया नहीं। अरे वो निकल गए, आ रहे होंगे। अरे कब से सुन रहा हूँ। ए माल आ गया रे, चलो उतारो। ए चलो रे, चलो। हैं? देख रहे हो दोस्त, हमें इलेक्शन में हराने के लिए ये लोग कितना नीचे गिर के काम कर रहे हैं। ये लोग गांव वालों के ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ये काम कहीं उत्कटन का तो नहीं है भाई? तुम भी ना, वो इस तरह का आदमी नहीं है, वो ऐसा नीच काम नहीं करेगा। पहले तो हम इलेक्शन में जीतेंगे, उसके बाद इसके पीछे का पर्दाफाश करेंगे। पहले इस माल को गायब करते हैं, चल। सब लोग सुनिए, अभी थोड़ी देर में ही पहले राउंड की वोट की गिनती बताई जाएगी। बेटा, मिठाई तुमने मंगवाई क्या? मैंने नहीं मंगाई माँ। ओह, लीलावती स्वीट्स, अपनी लवर का काम है। बोलो लीला, तुमने मिठाई भेजी क्या? हाँ? मुझे पता है तुम्हें जीतोगे, इसीलिए तो मिठाई भेजी है। तुम्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना, इसलिए। तुम्हारी फोटो भी साथ में भेज देती, स्वीट और स्वीट हो जाता। फोटो मैं बाद में भेज दूंगी, ठीक है? पब्लिक के बीच में प्यार की बातें चल रही है। ए टाइगर, हमें भी मिठाई मिलेगी क्या? कल आना, कल जींस पैंट और टी शर्ट भी देता हूँ। चल है पागल। ए! पहले राउंड के काउंटिंग में
कुर्सी सिंबल को 40 और हवाई जहाज को 10 वोट। टाइगर, हम लीडिंग पे हैं, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। हम अगर मस्ती करना चाहेंगे भी ना तो वो हमारा साथ नहीं देने वाले। कोई बात नहीं, चल भाई साहब, हार तो कंफर्म हो गई आपकी। अब डर के मारे पेड़ देख के खुद को फांसी मत लगा लेना, जहर देख के पी मत जाना, करंट के वायर को छू मत देना, ऐसा फैसला गलती से भी मत करना। अगर आपने ऐसा फैसला कर लिया ना तो बेइज्जती सिर्फ आपकी नहीं पूरे गांव की होगी। दीदी, अगर आपके घर में चूहे मारने की दवा होगी ना तो उसे छुपा देना। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो टाइगर? क्योंकि ये पी के कभी भी निकल सकते हैं। अरे क्या है जी, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ए, चल जा, निकल यहाँ से। अगली राउंड की काउंटिंग सुन के पैंट गीली हो जाएगी। सेकंड राउंड की काउंटिंग में कुर्सी को 150 और हवाई जहाज को 100 वोट मिले हैं। कुर्सी आगे है। एक हफ्ते में गांव छोड़ देंगे, अभी ये लोग कूद रहे हैं, जीत गए तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे चुप रहो यार, क्यों टेंशन दे रहे हो। वोट काउंटिंग खत्म हो गया है, अब फाइनल काउंटिंग का राउंड शुरू होने जा। क्या हुआ सर, क्या हो गया? पावर कट गया है भाई, अभी हमारे सर आएंगे और रिजल्ट बताएंगे। अगर मैं जीता ना तो पावर कट नहीं होगा। अब हम फाइनल राउंड बताएंगे, जो भी जीतेगा वो हारने वाले को इज्जत देगा। आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा हम नहीं करने वाले, हारने वाले को नहीं मारने वाले, उनके चेहरे भी हम काले नहीं करने वाले। भले वो हार गए हो फिर भी हम उन्हें इज्जत देंगे, क्योंकि हमें हमारी मर्यादा पता है। ठीक है ठीक है, अब मैं फाइनल बताने जा रहा हूँ। टोटल वोट्स मिले हैं 450, फर्जी वोट 20, हवाई जहाज को 230 वोट मिले हैं और कुर्सी को मिले हैं 200 वोट, यानी कि हवाई जहाज जीत गया है। गणेश, अब तुझे क्या माला दे दूं? गणेश, तुझे हारने का डर है ना, हारने के बाद जहर लेना और पी लेना कि तेरी इज्जत बचेगी नहीं। अब खड़े खड़े क्या सोच रहा है तू? अब गांव की नहीं सिर्फ तेरी बेइज्जती होगी। एसिड शकल पर नहीं फेंकेंगे, शकल भी काला नहीं करेंगे, भगा भगा के नहीं मारेंगे, गांव छोड़ने के लिए कहेंगे। पता है हम लोग क्यों हारे? क्योंकि तुम लोगों ने वोट नहीं किया। तुम लोगों ने भी तो बहुत सारे वादे किए थे ना, एक भी वादे पूरे किए? हम लोग तो वोट तुम्हें ही देना चाहते थे, लेकिन आखिर में हमने अपना मन बदल लिया। जो हमारे लिए हम उसके लिए। अगर तुम आगे रहोगे तो पीछे कैसे पता चलेगा, इसलिए चश्मा पीछे डालो। शक किया वो सही था, मैंने नारायण से पूछा था, उसने बताया सारा किया कराया उसी का है और वो उसमें कामयाब भी हो गया, और उसी की वजह से तुम्हें गांव से बाहर जाना पड़ रहा है, ये सब उसी की चाल है।